विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने कहा कि मामले में उच्च स्तरीय जांच हो। लोग ऐसे आंख बंद करके साइन कर देते हैं, सीआई को पैसा चाहिए, कर्मचारी को पैसा चाहिए, सीओ को पैसा चाहिए। इस हालात में किसी के नजर में भी देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा कोई माने नहीं रखती, बस लोगों को पैसा मिलना चाहिए। इसीलिए जिस व्यक्ति ने उसका आधार कार्ड बनवाया, जिस व्यक्ति के माध्यम से उसका पासपोर्ट का पेपर तैयार हुआ, वैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी जो है जांच होनी चाहिए। और भारत के मानचित्र पे ये जो चिकन नेक है, जिसको हम किशनगंज जिला बोलते हैं, जो असम, बांग्लादेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर और बंगाल के पड़ोसी राज्य बंगाल के चार हिस्सों को देश के मानचित्र से जोड़ता है, इस हिस्से को अगर बहुत सजगता नहीं बरती गई, हमने अभी एक चिट्ठी और लिखी है गृह मंत्रालय को, हमने यहाँ 3 अतिरिक्त SSB कैंप का मांग किया है। एक हमने मांग किया है पोठिया से आपको इस्लामपुर के बीच में, एक हमने मांग किया बहादुरगंज से पौवाखाली के बीच हाईवे पे, और एक हमने मांग किया है जो हेडक्वार्टर के साथ हो, वो दिगल बैंक के सिंगीमारी या लोहागाड़ा पंचायत में। खबर साहिबगंज से है, जहां महादेवगंज के पास हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक गिट्टी लदे ओवरलोड ट्रक में आग लग गई। हाईवे में आग लगने से ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना जिले